नमस्कार, मैं विंदु पात्रा। आप देख रहे हैं NIS मीडिया और दिन भर की तमाम खबरों नजर डालने के पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दे रहे हैं सरकार को, अगर 26 जनवरी तक पूरे भारत में इसको चालू नहीं किया गया तो 30 जनवरी महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के दिन हम लोग अगले कार्रवाई के लिए सिर्फ जमशेदपुर नहीं पूरे भारत से हम लोग इसका आह्वान करेंगे। और मैं सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों शांतिपूर्ण ढंग से कोई काम किया जाए। हम लोग ये भी सोचते हैं कि जो भी सरकार के लोग हैं वो प्रशासन के लोग हैं, वो हमारे बच्चे हैं। हम लोग उन लोगों को मार्गदर्शन देंगे कि आपको कहना चाहूँगा कि आप भी इस देश के पब्लिक है। जब तक आप इस देश के शासन में हैं तब तक आप भले ही पदाधिकारी हैं, पब्लिक हो जाइएगा और ये सुविधा उस दिन आपको भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं सभी लोग विधायक चालू किया जाए और सरकार ये नहीं समझे कि वरिष्ठों में कोई आज हम लोग जो बैठे हुए हैं धरना में 40% जो हम लोगों का बुजुर्गों का रेलवे में बंद कर दिया गया है उसको फिर से लागू करें सरकार, इसके लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। कोविड के दरमियान देश परेशानी में था, ठीक था, तो बंद कर दिया सरकार, लेकिन जब आज नॉर्मल हो गया है सब कुछ तो हम लोगों को वो सुविधा फिर से मिलनी चाहिए। इसी के लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर अगर नहीं आगे करेंगे सरकार तो हमारी संस्था जो है ना इसके लिए आगे फिर कार्रवाई करेंगे। जो गवर्नमेंट तरफ से जो रिलेशन था हम लोगों का सीनियर सिटीजन पे, हम तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद है इसका खोज करें क्यों बंद किया गया है। अच्छा फैसिलिटी था और इसके लिए आज हम लोग धरना दे रहे हैं भाई। हम तमाम लोगों का ये अपील है कि फिर से लागू किया जाए और भी जो फैसिलिटी है सीनियर सिटीजनशिप का तो क्यों ख़त्म हुआ, वो नहीं ख़त्म होना चाहिए, उसको फिर से लागू किया जाइए। हम तमाम लोगों का ये अपील है। आज हम लोग वरिष्ठ नागरिक झारखंड के एक जगह हुए हैं, हम लोग विरोध प्रकट करने के लिए। हमारा विरोध का कारण क्या है कि सीनियर सिटीजन को रेलवे में जो सुविधा मिली थी उसको सरकार ने बंद कर दिया। पहले 55 एज में महिलाओं को भी रेलवे का छूट मिलता था और 60 में आपका पुरुषों का, लेकिन वो बंद कर दिया। क्यों किया? नागरिक वरिष्ठ जो है वो अनुभवी है, वो ऐसा भी है कि देश के स्वतंत्रों भी है, सब कुछ है। तो उलोन को अगर आप ख्याल नहीं कीजिएगा तो देश का भविष्य में भी जो आज ना युवा है वो भी तो एक दिन वरिष्ठ नागरिक होगा। तो अभी से हम लोग अगर सभी को ख्याल नहीं करेंगे तो बहुत ही आने वाले दिल में मुश्किल है। आज हम लोग DC के पास ज्ञापन करने के लिए आए हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास मेमोरेंडम भेजने के लिए कि ये छूट फिर से चालू किया जाए। 26 जनवरी तक अगर ये लागू नहीं किया जाएगा तो हम लोग बृहद तरह आंदोलन में जाएंगे। नमस्कार। को और मंत्री